जायते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृष्ठ। अच्छा वो गाय पर ही बोले थे जस्टिस। महिला थी कोई क्या? पुरुष थे? चलो अच्छा हुआ सुझाव दिया है ना हाई कोर्ट ने, निर्णय दिया। निर्णय के बाद निर्णय के पॉइंट्स के अंतर्गत सुझाव हुआ है, ऐसा भी होना चाहिए इसको राष्ट्रीय सुझाव दिया है। सुझाव सही। पृष्ठ कितना है? 100। सुझाव नहीं दे सकते हैं क्या? जजमेंट नहीं दे सकते हैं? कोई केस हो इस प्रकार का तब तो केस के संदर्भ में उन्होंने कहा है। हाँ सुझाव दिया, केस का एक जजमेंट किया है जिसमें वो हत्या के लिए लोगों ने अपना वो किया था, उन्होंने खारिज किया कि नहीं ये सब नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। हाँ सुझाव दिया है। अच्छा है सुझाव सही। हाँ भाष्य की अंतिम पंक्ति नारायण। स सिद्धत्वे भयानुपपत्ति इति चेत् न यादित्येन सह तम उदेति न अन्यानुपदिष्टार्थत्वात् स सिद्धवाक्यस्य श्रद्धा तात्पर्य प्रणिपातादीनाम् अहेतुत्वम् इति चेत् सन्मतम् श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परसंयतेन्द्रियः तद्विद्धि प्रणिपातेन इत्येवमादीनां श्रुतिस्मृतिविहितानां ज्ञानहेतूनाम् अहेतुत्वं प्रजापते इव जन्मान्तरकृतधर्महेतुत्वे ज्ञानस्य इति चेत् न निमित्तविकल्पः विकल्पसमुच्चय गुणवत् अगुणवत्त्वभेदोपपत्तेः। प्रजापति को भय प्राप्त हुआ। प्रजापति कौन? पूर्व कल्प में बृहद भारत में मांत्रिक याग में सतकुल में मांत्रिक याग में अधिकृत सतकुल में जो उत्पन्न हुआ था
जिसने अश्वमेध यज्ञ का आलंबन लिया था, जिसकी निष्ठा अन्य अश्वमेध उपासकों की अपेक्षा अत्यंत परिपुष्ट थी, सर्वोत्कृष्ट थी, वही प्रजापति पद को प्राप्त हुआ। एक मनुष्य वैदिक मार्ग पर चलने वाला, वेदादि शास्त्रों में अधिकृत, वैदिक विधा से कर्म और उपासना का आलंबन लेकर प्रजापति हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा के पद को भी भविष्य में प्राप्त कर सकता है। इससे शास्त्र के महत्व का बोध प्राप्त होता है। भय क्यों प्राप्त हुआ? अविचार के कारण। भय का हेतु न होने पर भी भय उत्पन्न हुआ प्रजापति के हृदय में। निमित्त क्या था? अविचार, अज्ञानकृत अविचार के कारण। दूसरे से भय उत्पन्न होता है, उस समय दूसरा कोई था ही नहीं, समष्टि जीव घनात्मक प्रजापति को भय तो नहीं उत्पन्न होना चाहिए था, लेकिन अविचार के फलस्वरूप भय उत्पन्न हुआ। लेकिन उस भय का निवारण भी उसने विचार पूर्वक स्वयं ही कर लिया। जब दूसरा कोई है ही नहीं मेरे अतिरिक्त, तो किसको लेकर भय? स्वयं से स्वयं को तो भय प्राप्त नहीं होना चाहिए। इस विचार का आलंबन लेने पर अविचारकृत भय की निवृत्ति हो गई। ज्ञान और अज्ञान की सहस्थिति होती तो भय की अनुपत्ति होती। मत्स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, गीता का 15वां अध्याय। कभी कभी ज्ञान भी दब जाता है, मत्स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। इसी प्रकार थोड़ा सा प्रमाद हुआ नहीं कि व्यक्ति को भय उत्पन्न हो जाता है, किसी के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है, किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। काम क्रोध लोभ ये सब जो भी विकृत मनोभाव हैं, द्वैत मूलक हैं। काम का विषय कमनी कोई होगा, अपने से भिन्न मानेंगे तभी काम की उत्पत्ति हो सकती है। क्रोध के द्वैतक बुद्धि बनी बिन, क्रोध भी दूसरे के प्रति ही होता है। जब हम द्वैत बुद्धि से संपन्न होते हैं तो किसी की वस्तु को प्राप्त करने की भावना का उदय होता है। काम क्रोध लोभ ये जो मनोविकार हैं द्वैत मूलक हैं, द्वैत अज्ञान मूलक है। क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, द्वैत के बिन वह ज्ञान उपलक्षण है। काम की द्वैतक बुद्धि बिन, लोभ की द्वैतक बुद्धि बिन, द्वैत के बिन वह ज्ञान, बहुत बढ़िया तुलसीदास जी ने लिखा। द्वैत बुद्धि के बिना काम क्रोध लोभ ये मनोविकार उत्पन्न ही नहीं हो सकते। द्वैत बिना ज्ञान के उत्पन्न नहीं होता, द्वैत बुद्धि के मूल में अज्ञान है ही। यहाँ भय भी द्वैत बुद्धि मूलक ही है। सिद्धत्वे भय अनुपत्ति इति चेत न आदित्य न सतम उदयति, आदित्य के साथ तम का उदय संभव नहीं। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दो किम रह सकें रवि रजनी एक ठाम, बहुत बढ़िया लिखा। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, यहाँ पर कौन से राम?
प्रत्येगात्मा स्वरूप निर्गुण निराकार राम और काम का विरोध नहीं है, तो फिर कौन सा राम? इसका अर्थ हुआ जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दो किम रह सकें रवि रजनी एक ठाम। जब हम उस राम तत्व को प्रत्येगात्मा स्वरूप जान लेते हैं तब काम का उदय संभव नहीं है। अन्योन्याध्यास मूलक काम है, रसिकार विद्यारण्य स्वामी ने विस्तार पूर्वक इस तथ्य को उद्भाषित किया है। जितने मनोविकार हैं अन्योन्याध्यास मूलक ही होते हैं। ससिद्धत्व भयानुपत्ति चेत, अगर दोनों को ससिद्ध माने तो भय की सिद्धि नहीं हो सकती। नहीं आदित्य न सा तम उदयती, आदित्य के साथ तम उदित हो जाए यह संभव नहीं। ना पूर्व पक्ष का उत्तर, ना अन्यानुपदिष्टार्थत्वात् सह सिद्धत् वाक्यस्य। यहाँ पर कहा कि अन्य के द्वारा प्रजापति को कोई उपदेश नहीं दिया गया। सहज सहसिद्ध होने पर प्रजापति को भय होना युक्त है, सूर्य के साथ तमस का योग संभव नहीं, ऐसी शंका थी, पूर्व पक्ष था, उसका निवारण किया गया। अन्यानुपदिष्टार्थत्वात् सहसिद्ध वाक्यस्य, प्रजापति को किसी ने उपदेश नहीं किया कि तुम अद्वय हो, समष्टि जीव घनात्मक हो, तुम्हारे अतिरिक्त समय अन्य कोई है ही नहीं, भला भय क्यों करते हो। सामान्य नियम यह है कि बिन गुरु हो न ज्ञान, उपदेष्टा गुरु होने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ धर्म तप विद्या ऐश्वर्य की प्रगल्भता से प्रजापति को स्वतः ही ज्ञान हो गया। कल हमने बताया था स्वतः ज्ञान होने में भी गुरु की उपयोगिता से इसलिए है कि यहाँ किसी जीव विशेष को ही प्रजापति के रूप में उद्भाषित किया गया है, कोई जीव विशेष ही कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप या केवल उपासना के अनुष्ठान के फलस्वरूप कालांतर में प्रजापति की उपासना की प्रगल्भता के कारण प्रजापति पद को प्राप्त करता है। अहमिति अंग्रह उपासना के फलस्वरूप निष्ठा की परिपक्वता की दशा में प्रजापति पद को भाव को प्राप्त करता है। तो पूर्व जन्मों में कभी न कभी किसी न किसी ने प्रजापति को उपदेश दिया ही होगा। उस समय उपदेश फलीभूत नहीं हुआ, एक दृष्टिकोण यह है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि प्रजापति के जीवन में देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की दिव्यता प्राप्त है। उस दिव्यता प्राप्त होने के कारण जैसे उनके जीवन में निसर्ग सिद्ध ऐश्वर्य इत्यादि है, वैसे ही वैराग्य भी है तो ज्ञान का उदय भी हो सकता है। आत्मा तो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय है ही, लेकिन आत्मा की अद्वितीयता का बोध भी जिसके जीवन में दिव्यता सन्निहित हो सकता है। बिना उपदेश के भी ज्ञान हो सकता है, अपवाद स्थल है।
उसमें अधिक से अधिक कल्पना कर सकते हैं। पूर्व जन्म में किसी गुरु ने उपदेश किया होगा, उपदेश उस समय कारगर नहीं हुआ होगा, उपदेश के संस्कार अंतःकरण विद्यमान होंगे। जब उपासना यानी ध्यान की परिपक्वता की दशा आ गई तो पूर्व उपदिष्ट बुद्ध जो बोध था उच्चलित हो गया। श्रद्धा तात्पर्य प्रणिपातादी नाम अहितुत्व इति चेत्, अगर प्रजापति को बिना किसी गुरु के ही ज्ञान हो गया, आत्मा के एकत्व का बोध हो गया, जिस बोध के प्रभाव से भय से अतिक्रांत जो हो रहे थे उस भय का अपनोदन उन्होंने स्वयं कर दिया, तब तो गीता में श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय इत्यादि जो भगवान के वचन हैं, तद विधि प्रणपातेन परिप्रश्न से वजया उपदेक्षण ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिन, ये सब तो व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, ज्ञानोपलब्धि में हेतु ये सिद्ध नहीं होंगे। या पूर्व पक्ष श्यान्मतम श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय तद विधि प्रणपातेन इत्येवमादीनाम श्रुतिस्मृति विहितानाम ज्ञान हेतूनाम अहेतुत्वम प्रजापतेरिव जन्मांतरकृत धर्म हेतुत्वे ज्ञानस्य इति चेत् न निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत् अगुणवत्त्व भेदोपपत्तेः। अब का श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम, गीता का वचन है, श्रद्धावान हो, तत्पर हो, संयतेन्द्रिय हो, उसे ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन उपदेश कौन करते हैं? ज्ञानी तत्वदर्शी महानुभाव। उपनिषद में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शब्द का प्रयोग है, गीता में ज्ञानी तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग है, ज्ञानी न तत्वदर्शी न, श्रोत्रिय के स्थान पर ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ के स्थान पर तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग है। भाव वही है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाए, साधन चतुष्ट संपन्न व्यक्ति प्रणिपात आदि विधिवत जाए, दम्भ पूर्वक भी प्रणिपात इत्यादि हो सकता है, दंडवत प्रणाम आदि, इसलिए कहा श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया। तीनों जगह दम्भ की गति हो सकती है, क्या दम्भ पूर्वक दंडवत भी कर सकता है और सेवया यूं यूं पांव भी दबा सकता है और कुतूहल बस कई प्रश्न भी कर सकता है। मुजफ्फरनगर में उन दिनों में था, एक व्यक्ति शाम को घूमने साथ लग गया, उन दिनों तीन तीन साल मुझसे 10 मिनट समय लेना दुर्लभ था, जब मैं शंकराचार्य पद पर नहीं था, तीन तीन साल भी 10 मिनट मुझसे समय प्राप्त करना बड़ा कठिन था, उसकी अपेक्षा आज कुछ सुलभ हूँ। घूमते समय कोई प्रश्न कर दे तो उत्तर दे देता था। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज जो ब्रह्मलीन हो गए हमारे गुरु भाई, वो थे, मैं था। उस व्यक्ति ने काली नदी है मुजफ्फरनगर में, वहाँ तक जाते थे फिर लौटते थे सत्संग भवन, ऐसा प्रश्न किया गीता पर कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि हाँ कोई प्रश्न करने वाला मिला। लेकिन उसके बाद पाँव उसके लड़खड़ाने लगे तो हम समझ गए कि ऊपर से इसने प्रश्न किया है, अंदर कुछ और पूछने की भावना है। हमने स्वामी जी को संकेत किया कि थोड़ा आगे हो जाइए, ये इसके पांव डगमगा रहे हैं, ये कुछ और पूछना चाहता है, ऊपर से यह जिज्ञास लगता है। हमने कहा अंदर की बात बोलो पंडित जी। पंडित जो ब्राह्मण थे, आयु लगभग रही होगी 65-70 की, कर्ण पिशाची की सिद्धि महाराज बताइए कैसे होगी। आश्चर्य, हमने कहा कर्ण पिशाची सिद्ध करने वाला मैं नहीं हूँ।
हमने कहा हो गीता पर इतना बढ़िया प्रश्न किया कि मुझे लगा कि आज की प्रश्न करने वाला कोई मिला। अंदर भावना थी कर्ण पिशाची की सिद्धि कैसे मिले। हमने कहा ये सब विद्या मेरे पास नहीं है, मैं बचपन से ही भगवान की ओर मुड़ने वाला व्यक्ति हूँ। नहीं नहीं आपको ज़रूर मालूम। तो हमने कहा एक व्यक्ति आता है, लोग कहते हैं कर्ण पिशाची इसको सिद्ध है, वो कभी कभी आता है, उसके पास जाओ। फिर हमने कहा पंडित जी बुढ़ापे में मरना चाहते हो, जीवन बर्बाद जाएगा, परलोक बर्बाद जाएगा, 70 वर्ष के लगभग हो गए, अब तुम कर्ण पिशाची विद्या सीखोगे, भगवान का भजन करो। फिर वो दिखाई नहीं पड़ा, मेरे पास कभी आया नहीं। इसीलिए कहा भगवान शंकराचार्य महाभाग ने तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। परिप्रश्न भी कोई कर सकता है, प्रश्नों की झड़ी भी लगा सकता है, यूं यूं पांव भी दबा सकता है, दंडवत भी कर सकता है, दम भी जो कोई व्यक्ति है उससे भी तीनों काम सज सकते हैं। प्रणिपातेन विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, प्रणिपात सेवा और प्रश्न दम्भी भी कर सकता है। लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, यहाँ दम्भ की दाल नहीं गलती। तो श्रद्धापूर्वक प्रणिपात हो, संयतेन्द्रियता पूर्वक सेवा हो, तत्परता पूर्वक परिप्रश्न हो। हमने दोनों को मिला दिया। श्रद्धापूर्वक प्रणिपात हो, दंडवत हो, संयतेन्द्रियता पूर्वक सेवा हो, कटिबद्धता तत्परता पूर्वक परिप्रश्न हो, तब ठीक। जिसके लिए हमने हमको जीवन समर्पित करना है या कर चुके उसी को लेकर प्रश्न करें तब ठीक, नहीं तो दम्भी भी क्या प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा का प्रदर्शन कर सकते। इसलिए अंतरंग योग्यता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो कहा श्रद्धा तात्पर्य प्रणिपातादीनाम अहेतुत्वमिति चेत सान्मतम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय तद्विधि प्रणिपातेना इत्येवमादीनां श्रुतिस्मृतिभीतानां ज्ञानहेतूनां अहेतुत्वं प्रजापतेरिव जन्मान्तरकृतधर्महेतुत्वे ज्ञानस्यति चेत् न निमित्तविकल्पसमुच्चये गुणवत् अगुणवत्त्वभेदावुपपत्ते वेदोपपत्ते। ये सब साधन व्यर्थ हैं ऐसा नहीं। अगर प्रजापति को पूर्व पक्ष है बिना किसी के उपदेश के ही ज्ञान हो गया, आत्मा के एकत्व का बोध हो गया, तो फिर गीता में जो साधन है और उधर उपनिषदों में श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम ये सब जो उपाय बताए गए हैं इनकी तो व्यर्थता ही सिद्ध होगी, ऐसा कहना ठीक नहीं। क्योंकि ज्ञान के साधन जो होते हैं उनमें विकल्प एक, समुच्चय दो, गुणवत्व तीन, अगुणवत्व चार, इनके तारतम्य से, निमित्त के तारतम्य से श्रद्धादि की अयुक्तता का बाध हो जाता है। अर्थात श्रद्धादि तो अपेक्षित हैं लेकिन किसी के जीवन में धर्मानुष्ठान के प्रभाव से उसके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की दिव्यता के कारण स्वतः भी ज्ञान का उदय हो सकता है, यह अभिप्राय। आगे आएगा ही, आनंदगिरी में भी है, विकल्प होता है। ब्रीह से यजन करे या यव से यजन करे, बीहर वा यवेर वा, ये सब अभावे शाली चूर्णम वा, ये सब विकल्प होते हैं।
विकल्प अमुक सोमलता न प्राप्त हो तो पुतिका नामक लता से काम चला दे, इसका नाम विकल्प होता है। क्या स्वर्णमाक्षिक अगर स्वर्ण भस्म सुलभ न हो, गरीब रोगी है, तो उसके बदले स्वर्णमाक्षिक का उपयोग कर दे, विकल्प हो गया। विकल्प कहीं कहीं निर्विकल्प होता है, कहीं कहीं विकल्प। इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर यह हो गया विकल्प। आम पाओगे या अमरूद, ये क्या होगा विकल्प? आम और अमरूद दोनों नहीं, फिर आम पाओगे या अमरूद, ऐसे इसके स्थान पर विकल्प है। पूरक वस्तुअंतर का नाम विकल्प, साधक वस्तुअंतर का नाम विकल्प होता है। अभावे शाली चूर्णम वा, यह विकल्प है। यह कहा ज्ञान के साधनों के विकल्प समुच्चय, इसका इसके साथ तालमेल और गुणवत्व अगुणवत्व, गुणयुक्त होना गुणविहीन होना, यह सब कार्य की उत्पत्ति में विशेष हेतु है। इसलिए श्रद्धादि की अयुक्तता का बाद हो जाता है। निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत् अगुणवत्व वेदोपपत्ति, यह जो पंक्ति है इसको ठीक से समझकर व्यवहार में डाले तो व्यक्ति सदा सर्वत्र क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। स्वयं भाष्यकार भगवान इसका अर्थ करते हैं, लोके ही नैमित्तिकानां कार्याणां निमित्त भेदो अनेकधा विकल्प्यते। लोक में नैमित्तिकों में जो नैमित्तिक कार्य हैं उनमें निमित्त भेद विविध प्रकार से विकल्पित होते हैं। नैमित्तिका नाम पांचवी टिप्पणी दी, सहेतु का नाम विकल्प्यते, विकल्पेन अनेकधा भवति, यह अर्थ है। नैमित्तिका नाम कार्याणाम निमित्त भेदो अनेकधा विकल्प्यते। नैमित्तिक जो कार्य होते हैं, निमित्त के द्वारा सिद्ध होने योग्य जो कार्य होते हैं, निमित्त भेद अनेक प्रकार से हो सकते हैं। तथा निमित्त समुच्चय, इसी प्रकार निमित्तों का समुच्चय भी विविध प्रकार से हो सकता है। सातवीं टिप्पणी, अनेक धा भवति, वही अनेक प्रकार से हो सकता है। तेषां च विकल्पिता नाम समुचिता नाम च पुनर्गुणवत् अगुणवत्व कृतो भेदो भवति। उन विकल्पितों में समुचितों में फिर गुणयुक्त गुणहीनता को लेकर भी भेद हो जाता है। और स्वयं भाष्यकार गंभीर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में करते हैं, तद यथा रूपक ज्ञान एव तावन नैमित्तिके कार्ये तमस बिना लोके न चक्षुरूप सन्निकर्षो नक्तम चराणाम रूपक ज्ञाने निमित्तम भवति। मन एव केवलम रूपक ज्ञान निमित्तम योगिनाम अस्माकं तु सन्निकर्षालोकाभ्याम सह। सिद्ध होने पर भी शंकराचार्य जी ने जन सामान्य से अपने आप को एक करके कहा अस्माकं तु, तद यथा रूपक ज्ञानम एव तावन नैमित्तिके कार्ये तमसि बिना आलोकेन चक्षु रूप सन्निकर्षो नक्तम चराणाम। रूपक ज्ञान चाहिए, नील पीत श्वेत इत्यादि रूप का ज्ञान प्राप्त करना है। अब हमारी आपकी लाचारी है कि प्रकाश भी होना चाहिए, रूपयुक्त पदार्थ अनेकों हों, नेत्रयुक्त भी हम हों, लेकिन
प्रकाश ना हो तो हम रूप का दर्शन नेत्र के रहते हुए भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए यह नियम चरितार्थ नहीं है। बिना आलोके न चक्षु रूप सन्निकर्षो नक्तम चराणाम, नक्तम चराणाम घर्तवता निशाचर, रात्रि में चलने वाले उल्लू भी निशाचर ही है। निशाचर जो होते हैं, चक्षु और रूप का सन्निकर्ष हो जाता है बिना आलोक के, घन अंधकार में भी उनकी आँख में वो क्षमता होती है कि रूप का दर्शन कर लेते, उल्लू इत्यादि ऐसे निशाचरों की आँख में वो क्षमता होती है कि तमिश्रा रात्रि में घोर अंधकार में भी उनको रूप का दर्शन नेत्रों के द्वारा हो जाता है। हम जो जन सामान्य हैं, हमें प्रकाश भी चाहिए, सभी दो दो आँखों से कम युक्त हों, नील पीत श्वेत इत्यादि रूपों की भरमार हो, लेकिन बीच में आलोक ना हो तो, प्रकाश ना हो तो, नेत्र युक्त होने पर भी हम अंधे सदृश होंगे, लेकिन जो निशाचर होते हैं उनकी आँखों में क्षमता होती है कि वे रात में भी घोर अंधकार में भी रूप का दर्शन कर लेते हैं। उल्लू प्रकाश जब होता है आँख बंद किए रहता है और रात्रि में उसको अंधकार में खूब दिख जाता है। इस प्रकार से निमित्त में भी भेद है, रूप दर्शन में निमित्त आँख प्रकाश, लेकिन योगी लोग मन से ही देख लेते हैं, उनको रूप दर्शन के लिए नेत्र की आवश्यकता नहीं। जो निशाचर होते हैं उनके लिए नेत्र ही पर्याप्त है, प्रकाश की अपेक्षा नहीं, वे रूप का दर्शन कर लेते, उधर रूप है इधर नेत्र, बीच में प्रकाश न रहने पर भी रूप का दर्शन हो सकता है। जो सिद्ध योगी होते हैं उनके लिए मन एव केवलम रूप ज्ञान निमित्तम योगिनाम, ये लिखा योगियों को तो मन के द्वारा ही दिख जाता है, रूप ज्ञान हो जाता है, नेत्र के उपयोग की आवश्यकता नहीं। कल मैंने बताया था पश्यंती वाक को पश्यंती वाक क्यों कहते हैं, जिस वाक के द्वारा वाणी के द्वारा व्यक्ति दर्शन करने में समर्थ होता है। अब चक्षु का काम वाक्य द्वारा कैसे हो जाएगा, मन के द्वारा कैसे हो जाएगा, तो जो योगी लोग होते हैं नेत्र का काम मन के द्वारा साध लेते हैं, और पश्यंती वाक को पश्यंती माने देखने से संबंध है या नहीं, देखना, पश्यंती वाक जिनको सिद्ध हो जाए वो पश्यंती वाक के द्वारा क्या करेंगे, रूप का दर्शन कर लेंगे। तो वाक के द्वारा भी रूप का दर्शन कर लेते हैं योगी लोग, मन के द्वारा भी रूप का दर्शन हो जाता है, नेत्र हो और रूप भी हो, बीच में प्रकाश ना हो फिर भी, प्रकाश किसी प्रकार का ना हो फिर भी, निशाचर जो होते हैं उल्लू इत्यादि जो होते हैं उनको रूप का अधिगम हो जाता है। तो निमित्त रूप दर्शन अपेक्षित है, बिना नेत्र के भी रूप दर्शन कोई कर सकता है, वाक के द्वारा भी रूप दर्शन हो सकता है, बिना प्रकाश के भी रूप दर्शन हो सकता है। तो निमित्तों को लेकर भी कई प्रकार के विकल्प उपस्थित होते हैं, इसलिए क्या ये सब जानने पर क्या विशेषता होगी व्यवहार में, कोई समझेगा कि इनके पास डंडा नहीं, सेना नहीं, भारत पे हमला करके भारत को हम मुस्लिम राष्ट्र बना ही देंगे, क्रिश्चियन राष्ट्र बना ही देंगे, कोई लड़ने भिड़ने की सामग्री नहीं, क्या फौज नहीं, कुछ नहीं, शासन तंत्र नहीं, रुपये नहीं, कैसे हमसे भिड़ सकेंगे, तो ऐसी मान्यता वालों को पछाड़ खाने की क्या आवश्यकता होगी, होगी तो किस प्रकार होगी, इसी से क्या, इसी से है या नहीं, इस सब का व्यवहार में उपयोग हुआ या नहीं। बिना नेत्र के भी आँख मीट करके भी देखें तीन काल निज ज्ञाना कर्तलगत आमलक समाना,
आँख मीच करके भी योगी मन के द्वारा ही तब शंकर देखो कर ध्याना। उमा जो ने जो कुछ काम किया था, युक्त योगी युंजान योगी, योगियों के दो भेद होते हैं, युक्त को सदा भान होता है, युंजान जब चाहे तब। व्यक्ति की करतूत को, व्यक्ति के करनी को योग बल से देख सकता है। भगवान शंकर ने युंजान योगी कहा, लीला पूर्वक अभिनय किया। सती जी जैसा कहती हैं वैसा ही कुछ परीक्षा ली या नहीं ली, ध्यान पूर्वक उन्होंने सब जान लिया कि सीता का रूप धारण किया, ये सब सती जी के कपट को जान लिया। तो ये कौन हुए? योगी। योगी जो है योग बल पर बिना रूप के भी उनके सामने कोई घटना ना हो, भूतकाल की घटना हो गई हो, फिर भी वो उनकी दृष्टि ऐसी परिमार्जित होती है कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों में उनकी दृष्टि की अबाध गति होती है। भविष्य में क्या होगा ये भी जानते हैं, भूत में क्या होगा हुआ ये भी जानते हैं, वर्तमान में भी जो दृष्टि के सामने नहीं है, दीवाल के ओट में क्या हो रहा है योगी चाहे तो भी जान सकते हैं। इस प्रकार से क्या कहा, तो निमित्त में भी भेद है। ये तेज तत्व भी दृग दर्शन और दृष्टि के रूप में है। हाँ, फिर एक ही तेज तत्व है, लेकिन उल्लू इत्यादि की जो इंद्री है नेत्र इंद्री, उसमें कैसे मानेंगे? वहाँ पे तो प्रकाश भी नहीं, दृश्य तो है लेकिन उसका प्रकाशक कोई प्रकाश नहीं है। नेत्र में ही वो क्षमता है क्या? उनके नेत्र में, नेत्र तो है या नहीं उनके, उल्लू के निशाचर के नेत्र तो है, तो तमस के अपनोदन की क्षमता उनके नेत्र में है। तमस वहाँ पर प्रतिबंधक के रूप में नहीं काम कर सकता, घोर अंधकार में भी निशाचर या जो प्राणी उल्लू इत्यादि हैं रूप दर्शन में तमस उनके लिए, और उनके लिए जो प्रकाश काम करता है उनके लिए अंधकार ही वो काम कर देता है क्या? औरों के लिए जो प्रकाश काम करता है रूप दर्शन में, निशाचर उल्लू आदि के लिए अंधकार ही वो काम कर देता है क्या? अब वो उस पर बहुत शास्त्रार्थ है कि अंधकार जो है तमस है, भाव पदार्थ है या भाव पदार्थ, वैशेषिक दर्शन आदि में बहुत शास्त्रार्थ है। तमस प्रकाश की न्यूनता का नाम अंधकार है या प्रकाश का अभाव का नाम अंधकार है? तमस जो है भाव पदार्थ है या भाव पदार्थ है? भाव पदार्थ है, तो प्रकाश की अत्यंत न्यूनता यही तमस है, इसलिए त्रिपुटी की स्थिति हो गई। त्रिपुटी की स्थिति वहाँ हो गई, अत्यंत न्यूनता ही, प्रकाश का अभाव नहीं, प्रकाश की न्यूनता जो है वो भाव पदार्थ है या भाव पदार्थ है। फिर यहाँ पर कहा कि नेत्र से रूप का अधिगम होता है, लेकिन योगी आँख मीच करके भी नेत्र का जो काम है वो मन से कर सकता है। क्यों? मन ही स्वप्नावस्था में इंद्रियों का रूप धारण करता है, स्वप्न की सिद्धि को जो धारणा के बल पर अपने जीवन में उतार लेता है वह मनोयोग से ही इंद्रियों के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। यह हुआ मनोयोग से, स्वप्नावस्था में आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत हो जाता है। ज्ञानेन्द्रियाँ भी मन, कर्मेंद्रियाँ भी मन, मन भी मन, बुद्धि भी मन, चित्त भी मन, अहंकार भी मन, मन माने अंतःकरण, और स्थावर जंगम प्राणी भी मन ही। इसी प्रकार इस सिद्धि को जो प्राप्त कर लेता है उसे पृथक से ज्ञानेन्द्रिय का उपयोग न करना चाहे तो न करके भी पांच ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से
जिन कार्यों का संपादन संभव है वह केवल मनोयोग से करने में समर्थ हो सकता है। दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति यूँ नहीं है, क्योंकि हमारे आपके जीवन में भी स्वप्नावस्था में इस प्रकार की सिद्धि उपलब्ध होती है। होती होगी प्रफुल्ल जी के स्वप्न में क्या सिद्धि मिलती है? अरे क्या कह रहे, स्वप्न के शरीर में जो चाहे वो बन सकते हैं, मन ही बन जाता है। ठीक, तो नेत्र भी मन ही बन जाता है, रूप भी मन ही बन जाता है। ठीक, सामान्य नियम क्या है? एक तेजो द्रव्य है, तेज नामक द्रव्य, वही तृप्ति का रूप धारण करता है। अधिदैव सूर्य, अध्यात्म, नेत्र, अधिभूत रूप त्रिपुटि के रूप में एक एक तत्व आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पांच ज्ञानेंद्रिय को लेकर पांच त्रिपुटि की सिद्धि होगी या नहीं? लेकिन पांच ज्ञानेंद्रिय को लेकर पांच त्रिपुटि की सिद्धि होगी। ऐसे यहाँ पर मन के योग से ही सारा काम हो सकता है योगियों का। हमने बताया कि वाक इंद्रिय के द्वारा दर्शन संभव नहीं है, नेत्र इंद्रिय के द्वारा दर्शन संभव है, लेकिन केवल मन के द्वारा भी रूप का दर्शन वो तो आजकल सबके साथ गृहिणी साथ रहती है, बाबा हो बाबू सब विवाहित ही हो जाते हैं जब मोबाइल रखते हैं, तो गृहिणी सबके साथ है। विवाह की जरूरत है, गृहिणी ही पर्याप्त है मोबाइल के रूप में। जैसे मन के द्वारा देखा जाना संभव है, ऐसे वाणी के द्वारा भी देखा जाना संभव है। पश्यंती वाक का नाम उपनिषद में पश्यंती क्यों है? योगी जिस वाक के द्वारा देख लेते हैं। ठीक, भोगी कल मैंने कहा आँखों से सुन लेता है या नहीं? भोगी क्या करता है? आँखों से सुन लेता है। योगी क्या करता है? वाणी से देख लेता है, मन से देख लेता है। तद यथा रूप ज्ञान एवतावन नैमित्त के कार्य तमस विना लोके न चक्षु रूप सन्निकर्षो नक्तम चराणाम। और रूप ज्ञान को लेकर ही ले लीजिए, निमित्त के भेद से कार्य में भेद हो जाता है। रूपक ज्ञान हमको अभीष्ट है, लेकिन हमारे लिए तो नेत्र भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए, तब रूपक का ज्ञान हो सकता है। लेकिन उनके यहाँ जो निशाचर आदि हैं, तमस बिना आलोके न, घोर अंधकार में बिना प्रकाश के ही उनकी जो आँखें हैं, उनका आँखों को रूप का सन्निकर्ष प्राप्त हो जाता है। बीच में उपोद्वलक के रूप में प्रकाश अपेक्षित नहीं है, औरों के लिए प्रकाश, इनके लिए अंधकार ही वो काम कर देता है। प्रकाश निमित्तक जो कार्य होना चाहिए रूप दर्शन, वो इनके जीवन में क्या हो जाता है? अंधकार निमित्तक ही हो जाता है। निमित्त में आकाश पाताल का भेद हो गया या नहीं? नक्तम चरणम रूप ज्ञान निमित्तम भवति। अंधकार भी निशाचरों के जीवन में रूपक ज्ञान में निमित्त हो सकता है। सामान्य व्यक्ति के जीवन में प्रकाश निमित्त है रूपक ज्ञान में, नेत्र चाहिए, प्रकाश चाहिए, तब रूपक ज्ञान होगा। लेकिन नेत्र हो और अंधकार ही हो प्रकाश के स्थान पर, तो भी निशाचरों को रूपक ज्ञान हो जाता है। उससे भी ऊपर की बात कहते हैं, मन एव केवलम रूपक ज्ञान निमित्तम योगिनाम।
जो योगी हैं उनको तो नेत्र भी नहीं चाहिए, कम से कम निशाचरों को तो नेत्र चाहिए ना। प्रकाश का काम किसने कर दिया? अंधकार नहीं। रूपक ज्ञान तो अभिमत है, लेकिन योगियों के जीवन में तो बिना नेत्र के भी, आँख मूंद करके भी मन के द्वारा ही रूपक ज्ञान संभव है। योगी मन के द्वारा भी रूपक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब शंकराचार्य जी अस्माकम शब्द का प्रयोग कर दिया, हम लोगों के जन सामान्य से अपने आप को एकीभूत कर दिया, तो टिप्पणीकार कैलाश वालों को लगा कि शंकराचार्य जन सामान्य तो थे नहीं, इसीलिए कहा अयोगी नाम। अस्माकम का अर्थ अयोगी नाम नहीं होता, लेकिन जन सामान्य से एकीभूत करके शंकराचार्य ने कहा हम जो जन सामान्य हैं, इसलिए इन्होंने टिप्पणी में कर दिया अयोगी नाम, अर्थात जो योगी नहीं है। इसका अर्थ नहीं कि शंकराचार्य ने अपने लिए कह दिया, हम लोगों को तो जन सामान्य से एकीभूत होकर ये महापुरुषों की विशेषता होती है। तो जो योगी नहीं है सन्निकर्षालोकाभ्याम सह, उनको तो क्या चाहिए? इंद्रिय और रूप का सन्निकर्ष बीच में हेतु तमस न हो करके प्रकाश चाहिए, नेत्र भी हो, मनोयुक्त नेत्र भी हो, प्रकाश भी हो, रूप भी सुलभ हो, तब रूप ज्ञान संभव है। निमित्त में भेद हो गया या नहीं? बहुत बढ़िया। अस्माकम तो सन्निकर्षालोकाभ्याम सह, आलोक भी चाहिए और चक्षु रूप का सन्निकर्ष भी चाहिए। योगियों के लिए चक्षु रूप का सन्निकर्ष न हो, मनोयोग से ही काम चल जाता है। निशाचरों को चक्षु और नेत्र, नेत्र और रूप तो बीच में तमस प्रकाश से जो हम लोग काम चलाते हैं, वो तमस से ही उनका काम सज जाता है। इससे क्या लाभ हुआ? प्रकाश से जो कार्य सत्ता है वो तमस से भी सब जाता है किसी के जीवन में। ऐसे ही इन सब ज्ञान विज्ञान को अगर अपने जीवन में ढाले तो बिना अस्त्र शस्त्र के भी विश्व पर जितने आतंकवादी हैं सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग आजकल हम इन सब ज्ञान विज्ञान को कहीं और ढाल रहे हैं, क्योंकि भविष्य में बहुत भयंकर युद्ध होगा। भारत किस स्थिति पर पहुंचेगा यह कहना भी कठिन है। उस समय फिर अलौकिक जो शक्ति है वही काम देगी, सारे हथियार ये सब पस्त हो जाएंगे। मैंने संकेत किया थोड़े ही समय में, बिना अलोकेना चक्षु रूप सन्निकर्षो नक्तम चराणाम रूप अज्ञान निमित्तम भवति मन एव केवलम रूप ज्ञान निमित्तम योगिनाम। रूप ज्ञान में मन ही केवल निमित्त हो जाता है योगियों के जीवन में। यह कह विधांतरेण विकल्प विकल्पार्थ महा विधा से, विधा से यह कह प्रकारांतर से यूँ रूप ज्ञान निमित्तम भवति मन एव, केवल मन ही चाहिए, वहाँ आलोक का चक्षु की भी आवश्यकता नहीं। अस्माकम तु सन्निकर्षालोकाभ्याम सह, हमको आपको तो नेत्र रूप का सन्निकर्ष भी चाहिए, बीच में आलोक भी चाहिए। तथा आदित्य चंद्राद्यालोक भेद ये समुचिता निमित्त भेदा भवंती। इसी प्रकार से सूर्य और चंद्रादि जो आलोक हैं इनके भेद से भी विकल्पित और समुचित निमित्तों में भेद होता है। चंद्रकांतमणि सूर्यकांतमणि हो गए ना, चंद्र और सूर्य का असर पड़ा है ना प्रभाव, कोई चंद्रकांतमणि है कोई सूर्यकांतमणि है, और जो चोर है उसको चांदनी रात सुहाती नहीं है, बिरहणी नायिका है उसको अभी चांदनी रात चानन भेल विषम सर्रे भूषण भेल भारी, चांदनी रात भी उनके लिए वेदना देने में सिद्ध है। ऐसे ही
निमित्त कच्चा करेला करेला और करेले की सब्जी बना में और कच्चे आम का प्रयोग कर दें तो करेले में गुण का आदान हो जाए, और कहीं करेले की सब्जी पालें और साथ साथ पक्का आम का रस पालें, मरणासन हो जाए। दो बार हमारी दुर्दशा हो गई शरीर के, मरणासन, पांच पांच घंटे बेहोश। बाद में विचार किया कि क्या बात हो गई, तो दोनों पर ध्यान देते हैं, छः महीने के अंदर ही दो बार मरणासन हो गया सर। ओहो, यही हो सकता है, पक्का आम का रस पी लिया, वो जी करेला की सब्जी थी, करेले की सब्जी के बाद पक्के आम का रस पा लिया, मरणासन शरीर हो गया। और कच्चा आम करेला के साथ बहुत बढ़िया है, करेले की सब्जी में कच्चा आम डाल दीजिए अमृत, ऐसे ही तांबे का लोटा है, इसमें दूध डाल दें तो शराब हो जाए, गर्म पानी डाल दें तो विष हो जाए, ठंडा पानी डाल दें तो गंगा जल हो जाए। तांबे में गर्म जल अगर रख दिया तांबे में तो मारक बन जाएगा, और दूध रख दें तो उसका नाम शराब हो जाएगा। तांबे में कितना चमत्कार, और शीतल जल रखें तो इसको गंगा जल बना दें। इसी प्रकार से निमित्त भेद, जिसको निमित्त का ज्ञान होता है, ये भोजन विज्ञान वालों को होता है नहीं, किसका किसके साथ योग होगा, किसका किसके साथ योग नहीं होगा, भोजन बनाने वालों को पूरा ज्ञान होता है। ऐसे ही नक्तम चराणाम रूप ज्ञान निमित्तम भवति मन एव केवलम रूप ज्ञान निमित्तम योगिनाम अस्माकम तु सन्निकर्षा लोकाभ्यंसा। जो जन सामान्य हैं या हम लोग, शंकराचार्य ने आम जनता से अपने को एकीभूत होकर कहा, हमको तो भाई नेत्र भी चाहिए, रूप भी चाहिए, और बीच में आलोक भी चाहिए। तथा आदित्य चंद्राद्यालोक भेद ही समुचिता निमित्त भेदा भवंती। अब आलोक तो चंद्रमा का भी है, सूर्य का भी है, चंद्रकांत मणि के लिए चंद्रमा वरदान स्वरूप है, सूर्यकांत मणि के लिए सूर्य वरदान स्वरूप है, चोर के लिए अंधकार वरदान स्वरूप है, गृहिणी नायिका के लिए चंद्रमा की चंद्रिका रोशनी जो है वो विश्व स्वरूप है। ऐसे ही और सूर्यास्त के बाद दही पालें वो विश्व हो जाए, सत्तू पालें विश्व हो जाए। ताम्र पात्र में क्या करें, गर्म जल डालें उष्ण जल विष हो जाए, शीतल जल डालें अमृत हो जाए, पश्यंती वाक से दर्शन कर लें। इसका अर्थ जिसको निमित्त नैमित्तिक संयोग विप्रयोग इन सब का ठीक ठीक ज्ञान है, वह व्यवहार में कुशल होता है, भोजन बनाने में कुशल होता है, किसका किसके साथ योग वरदान स्वरूप होगा, किसका किसके साथ योग अभिशाप रूप हो जाएगा, यह कहा निमित्त। अब कौन थे वो धृतराष्ट्र, जब तक विदुर जी राय देते थे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जो आप कह रहे वही। हाँ, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र माने राजसी धृति संपन्न जो व्यक्ति होता है उसकी गति मति स्थिति धृतराष्ट्र के समान होती है। सामने वाले बिल्कुल ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक। जब तक विदुर जी थे तब तक धृतराष्ट्र के लिए क्या कहा गया, वेदव्यास जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, महामना, महाभारत का शब्द, महामना मदन मोहन मालवीय जी नहीं, महामना धृतराष्ट्र के लिए प्रयोग किया वेदव्यास जी ने। मंत्रणा देने वाले जब तक विदुर जी थे तब तक बिल्कुल ठीक कहते हो विदुर, बिल्कुल ठीक कहते हो, ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही करूँगा। विदुर जी अमुक अमुक निमित्त से दूर भगा दिए गए, तब देखो बेटे ने कहाँ पहुँचा दिया, दुर्योधन ने कहाँ पहुँचा दिया। ऐसे मंत्रणा इसीलिए इसको कहते हैं निमित्त से, मंत्री ठीक मिल जाए तो। हाँ, एक महात्मा थे, वेश में, महात्मा वेश में थे, नाम नहीं लूँगा,
एक कोई सयाना मंडी है बुलंदशहर में, वहाँ का कोई जवाहरलाल गोयल नामक व्यक्ति आ गया, दोनों में अच्छा संपर्क हो गया, जवाहरलाल गोयल शिष्य बन गया उनका। वो जो अंदर की भावनाएं गुप्त थीं उसके माध्यम से वो सब प्रकट हो गए। वो भावना क्या थी, किसी भी व्यक्ति को विष दिलवा देना, ये सब अंदर के जो भावना थी, अमुक को मरवा दो, विष दे दो, पागल बना दो, छिपी रही। लेकिन वैसे व्यक्ति जब आ गया जवाहरलाल गोयल, तो वो दोनों की आँख मिल गई, समझ गए कि ये मेरे अनुकूल होगा। तो बहुत से व्यक्ति पाप करना चाहते हैं, संकोच बस अच्छे व्यक्तियों के बीच में रहने के कारण पाप नहीं कर पाते। एक भी कोई इधर आ गया तो इसलिए ऊपर नीचे बीच में तीनों विवेकी, क्या सेवक सेव्य नहीं, वो सेवक स्वामी सखासी पी के, सेवक स्वामी सखासी पी के, भगवान शिव जो हैं राम जी के विष्णु जी के कौन लगते, सेवक स्वामी सखा तीनों। इससे क्या हुआ, स्वामी भी विवेकी हो, सेवक भी विवेकी हो, सखा भी विवेकी हो। 24 घंटे में व्यक्ति जब सोएगा तो सो जाएगा, जगेगा तो इन्हीं तीनों में कहीं रहेगा ना। सखा भी बढ़िया, स्वामी भी बढ़िया, सिगरेट पीने की आदत है तो सेवक, अरे भैया ले आना जरा सेवक के माध्यम से ही उपस्थित हो जाएगा। इसलिए स्वामी भी अपने आप को व्यवस्थित रखना हो तो ऊपर नीचे मध्य तीनों विवेकी को रखिए। अब कहाँ जाएंगे, कभी सखा के बीच में रहेंगे, कभी सेवक के बीच में, कभी स्वामी, तीनों विवेकी हो तो फिर विस्फोट नहीं होगा, जीवन व्यवस्थित रहेगा। तीनों में एक भी अगर, हाँ भैया जरा लाइए तो गुरुजी तम्बाकू खाते हैं तो एक महात्मा थे हिमालय में, हमारी आयु छोटी थी, वो एक डिब्बा में भांग के चूर्ण रखते थे और हमसे कहें कि जरा वो चूर्ण जो है ना लेकर देना। रोज ही वो घूमने के समय चूर्ण ले रहे थे, हम तो बच्चे थे, हमको हुआ कि चूर्ण में क्या करामात है, रोज ही तो हमने एक दिन उससे आधे ले ली। वो तो फिर जो दिखाया चूर्ण ने अपना प्रभाव, हम समझ गए भांग है वो चूर्ण ने फिर हाँ क्या हुआ फिर। इसलिए तीनों विवेकी होना चाहिए, सेवक स्वामी सखा से पी के, स्वामी भी विवेकी हो, सखा भी विवेकी हो, सेवक भी विवेकी हो तो विस्फोट नहीं होता। अगर निमित्त कहीं भी और स्वामी मिल गए बढ़िया। एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे पंजाब में, सच्ची घटना, वो शराब पीते थे और एक व्यक्ति पंजाब के मेरे बहुत परिचित थे, उनके माता पिता ने कहा कि इस क्षेत्र में उन पंडित जी के समान कोई भी व्याकरण का विद्वान नहीं है, पढ़ने जाओ लेकिन शराब मत पीना, वो शराबी एक नंबर के। और कह भी दिया, महाराज मैं अपने बेटे को आपके पास पढ़ने के लिए भेजता हूँ, शराब की आदत में डलवाइएगा। ठीक, बेटा पढ़ने आया। अब गुरुजी शराब पी के यूँ थे, तख्खा होता है ना, उस पर पीली पीली सामग्री बोतल में रखी हुई थी। गुरुजी ऐसे मन और पीना चाहते थे, शराब का नशा इतना था कि खड़े नहीं हो पाते थे, प्रयास करें गिर पड़े। उसको दया आ गई, जिनको दया आ गई, बहुत अच्छे विद्वान थे बाद में हुए, पूर्वाचार्य जी से पाठ में वो बैठते थे तो हमारे सहपाठी हो गए। तो वो दया आ गई कि गुरुजी और पीना चाहते हैं। गुरुजी के पास एक डंडा भी था, वो उठा करके तक्के से लेकर दिया, एक डंडा मारा,
पंजाबी में कहा, जब तेरा बाप मेरे पास इससे बचने के लिए बचकर पढ़ने के लिए भेजता है तो मुझे मर जाने देता, क्यों दिया बोतल से शराब पी भी लिए एक डंडा मार। तो क्या हुआ, ऊपर नीचे बीच में कहीं भी अविवेकी व्यक्ति मिल गया निमित्त, तो सारा संयम खराब कर देगा। हमने बताया ना बुलंदशहर सयाना मंडी का एक जवाहरलाल गोयल एक संत वेदारी को मिल गया, उससे पहले अपनी दुष्टता को प्रकट करने का उनको कोई अवसर नहीं मिलता, उसके बाद धराधार विषकांड चला वहाँ पर, हमको दिया गया कहाँ कहाँ क्या क्या उपद्रव हुआ, ये भी है। इसलिए निमित्त भी नक्तम चरणाम रूप ज्ञान निमित्तम भवती मन एव केवलम रूप ज्ञान निमित्तम योगिनाम अस्माकम तु सद निकर्षा लोकाभ्यम सा, हम लोगों को तो दोनों चाहिए, रूप भी चाहिए नेत्र भी चाहिए, इतना ही नहीं बीच में प्रकाश भी चाहिए, अर्थात रूप ज्ञान के लिए हमको मध्य में प्रकाश भी चाहिए नेत्र भी चाहिए। जबकि राक्षसों को निशाचरों को उल्लू आदि को क्या, प्रकाश के बिना जो काम हमारा प्रकाश से चलता है वो काम उनका अंधकार से चल जाता है। साथ ही साथ क्या हुआ, जो काम संसारी व्यक्तियों का नेत्र से चलता है, योगी आँख मीच करके भी रूप का दर्शन कर लेते हैं, वो काम क्या हो जाता है, उनका मन से ही चल जाता है। निमित्त को लेकर भी विलक्षणता है, किस निमित्त से किस कार्य की सिद्धि हो इसका विशेषज्ञ जो होता है पछाड़ नहीं खाता, किसके जीवन में किस कार्य की सिद्धि के लिए कौन निमित्त बना हुआ है इसका भी ज्ञान आवश्यक है। हो गया ना। तथा आदित्य चंद्राद्यालोक भेद ही समुचिता निमित्त भेदा भवंती, इसी प्रकार से पांचवी टिप्पणी श्रवणादि रूपम, यह आदित्य चंद्राद्यालोक भेद ही समुचिता निमित्त भेदा भवंती, आदित्य चंद्र इत्यादि आलोक भेद से, आलोक तो आलोक ही है प्रकाश, जो कार्य सूर्य के प्रकाश से साधना है वो चंद्रमा के प्रकाश से साध सकता है नहीं भी साध सकता, वस्तु का दर्शन हम सूर्य के प्रकाश में भी कर सकते हैं चंद्रमा के प्रकाश में भी कर सकते हैं और विद्युत के प्रकाश में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सोचना चाहिए कि सूर्यकांत मणि के लिए उद्दीपक कौन है, सूर्य चंद्रकांत मणि के लिए उद्दीपक कौन है, चंद्रमा। इस प्रकार कुछ ऐसे कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश से ही सत्य हैं, चंद्रमा के प्रकाश वहाँ पर अवरोधक सिद्ध, कुछ ऐसे कार्य हैं जो चंद्रमा के प्रकाश से सत्य हैं, सूर्य का प्रकाश वहाँ काम नहीं कर सकता। इस प्रकार वो जो आश्विन पूर्णिमा के दिन खीर बना के व्यक्ति पूर्णचंद्र की रश्मियाँ पड़ सके वहाँ रखते हैं, दिन में सूर्य की रश्मियाँ पर ऐसे नहीं रखते, तो वो जो पायस में खीर में अमृत का अंश चंद्रमा से प्राप्त होगा सूर्य से नहीं, नहीं तो सूर्य की रोशनी में रख दें। इस प्रकार से कुछ काम सूर्य के रश्मि से चले, कुछ काम चंद्रमा की रश्मि से, कुछ काम ऐसे हैं दोनों, गंतव्याधि का दर्शन सूर्य के प्रकाश में भी हो सकता है चंद्रमा के प्रकाश में भी हो सकता है, लेकिन सूर्यकांत मणि पर सूर्य का अलग प्रभाव, चंद्रकांत मणि पर चंद्रमा का अलग प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही उल्लू की दृष्टि पर चंद्रमा के प्रकाश का अलग प्रभाव पड़ता है, सूर्य के प्रकाश का अलग प्रभाव पड़ता है, किसी का काम अंधकार से ही सज जाता है, किसी का काम प्रकाश से सजता है। तो नीत निपुण होने के लिए किस निमित्त से किस कार्य की सिद्धि कौन कर रहा है उस निमित्त का ज्ञान होना चाहिए, निमित्त कोई एक जैसा ही नहीं सब सर्वत्र होता। तथा आदित्य चंद्राद्यालोक भेद समुचिता निमित्त भेदा भवन्ति, तथा आलोक विशेष गुणवत् अगुणवत्त्वेन भेदास्यो, ऐसे आलोक विशेष को लेकर गुणवत्ता अगुणवत्ता की बात भी हमने कह दी, आलोक विशेष को लेकर गुणवत्त अगुणवत्त, या आलोक विशेष को लेकर
आलोक विशेष का अर्थ क्या हुआ? चंद्रमा के प्रकाश में जो कार्य साधेगा कुछ, वो सूर्य के प्रकाश से सिद्ध नहीं हो सकता। सूर्य के प्रकाश से जो कार्य साधेगा वो चंद्रमा के प्रकाश से सिद्ध नहीं हो सकता। चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि आदि का उदाहरण मैंने दिया। ये सब निमित्त, किस निमित्त से किस कार्य की सिद्धि होती है और किसके जीवन में कार्य की सिद्धि के लिए निमित्त का भेद कैसा हो जाता है, इन सब को जानने वाला व्यवहार और परमार्थ में क्या मर्मज्ञ होकर बिल्कुल फिर निपुण हो जाता है, मर्मज्ञ हो जाता है। ये सब क्यों कहा शंकराचार्य जी ने? मूल बात क्या थी? प्रजापति को किसी के उपदेश के बिना ही अपने एकत्व का, आत्मा आत्मरूप आत्मतत्व के एकत्व का विज्ञान हो गया तो हमारे जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता? हम कोई प्रजापति से घटिया हैं क्या? विषय यही चल रहा था। ऐसा नहीं समझना चाहिए। निमित्त में विलक्षणता है, निमित्त भेद से कार्य भेद या कार्य। किसी का कार्य बिना गुरु के चल सकता है तो मेरा कार्य गुरु के बिना क्यों नहीं चलेगा? ये किसी के जीवन में, राजा के जीवन में वह योग्यता है कि उसे मंत्री की आवश्यकता नहीं है। महाभारत में लिखा जो मंत्री राय दे सकते हैं वो क्षमता उसके जीवन में है। किसी के जीवन में यह है कि राज के रहे नीत बिन जाने, मंत्री नहीं रखेगा तो चार खाने चित्त हो जाएगा। किसी राजा को पुरोहित की आवश्यकता है। अब लोक लीलावश पुरोहित रखे न रखे, कोई राजा इतना है पुरोहित जो दिशा दे सकते हैं वो दिशा प्राप्त करने की क्षमता उसके जीवन में है तो बाहर से बिना पुरोहित के भी काम चल सकता है। किसी का काम बिना पुरोहित के नहीं चल सकता। किसी का काम बिना मंत्री के नहीं चल सकता। किसी का काम बिना मंत्री के भी चल सकता है। ऐसा निमित्त आदि को लेकर अब वो रक्षा विभाग में, व्यापार विभाग में निपुण व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। अब व्यापार विभाग में रक्षा विभाग को निपुण, रक्षा विभाग में निपुण व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, घंटाधार हो जाएगा। इसलिए फिर किस कार्य की सिद्धि के लिए किसको निमित्त बनाना चाहिए यह भी आवश्यक है। किस कार्य की सिद्धि के लिए किसको निमित्त बनाना चाहिए यह आवश्यक है। हम एक थे मुनीलाल, मुन्नालाल, पंजाब में कभी दिखा था वहाँ बाराबंकी जिला का मुन्नालाल। तो हम भी विचित्र थे, चार फरलांग दूर जंगल में रहते थे, गोमती तट से लगभग चार फरलांग या तीन फरलांग दूर मान लो वन में। लेकिन वो जो गोमती का क्षेत्रफल था, उन्हीं के भतीजे या क्या अयोध्या में है कोई जगत गुरु बनते हैं? उनका भतीजा है वही वैष्णव, क्या नाम है वो, और कौन आचार्य आजकल रामानुजाचार्य हैं कोई जो कुछ, हाँ उनके भतीजे। तो यहाँ आए थे वासु कुछ नाम वही, हमसे कहा था कि मेरे चाचा आपके पास रहे हैं। ठीक, हमने कहा ठीक। तो हमारा भी विचित्र, लगभग चार फरलांग तीन फरलांग मान लो गोमती का जो तट था वहाँ कोई मछली नहीं मार सकता था, हमारा नियम था, दूर हम रहते थे। एक वही मुन्ना लाल को भेजा कि कोई मछली तो नहीं मार रहा है ऐसे बंसी से या ऐसे जाल से। तो वो मुन्ना लाल ने देखा बंसी मारते और मछली मारते हुए, कृपा डोरी अंकुश पद, उसको विनय पत्रिका की याद आ गई, वो गाने लग गए। हमने सोचा कि भोजन का समय हुआ, जिसको भेजा था वो तो आया नहीं, क्या हुआ? हम आए, चप्पल उप्पल तो रखते थे नहीं, नंगे पाँव, तो गा रहा है वो बंसी वाला मछली फंसा रहा है, वो गा रहा है कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम विदुचारो विनय पत्र। हमने कहा ये क्या है, मना नहीं किया, भगाया नहीं,
अरे इसको देख के हमको स्मरण आ गया, हम गीत गाने लग गए ऐसा हुआ। तो फिर हमने भगाया मछली मारने वालों को, बिल्कुल 4 फरलांग की सीमा में गोमती में कोई मछुआरे सबके दाल नहीं गल सकती थी। तो क्या हुआ, इसलिए निमित्त कहा, और कोई मछुआरे को देख करके उसको गीता याद आ जाए तो काम नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ कहा एवं 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 आत्मिकत्व ज्ञाने पी आत्मिकत्व ज्ञाने पी क्वचिन जन्मांतर कृतम कर्म निमित्तम भवति। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए एक ही निमित्त या हो, वर्तमान में ही निमित्त की उपस्थिति हो या आवश्यक नहीं। कोई कोई ऐसे हो सकते हैं जिनको बिना गुरु के ही ज्ञान हो जाता है। उदाहरण दिया, आत्मिकत्व ज्ञाने भी क्वचित जन्मांतर कृतम कर्म निमित्तम भवति। पूर्व जन्म में उन्होंने कोई कर्म किया श्रवणादि रूप, इसका मतलब गुरु की आवश्यकता नहीं है, नहीं, पूर्व जन्मों में उन्होंने गुरु के मुख से, जैसे जड़ भरत का उदाहरण है, ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, ऋषभ देव जी से उनको उपदेश प्राप्त हुआ था, लेकिन प्रारब्ध के कारण उस जीवन में जब राजा भरत थे तत्व ज्ञान नहीं हो पाया, बीच में मृग होना पड़ा, बाद में जब राज वो हो गए कौन हो गए जड़ भरत, तो बिना उपदेश के ही ज्ञान हो गया। तो ये नहीं समझना चाहिए कि गुरु की आवश्यकता नहीं, पूर्व जन्म में श्रवण कर चुके थे गुरुमुख से, वो प्रतिबंध था, तीसरे जन्म उनको ज्ञान हो गया, बीच में एक जन्म मृग का लेना पड़ा। ऐसे का निमित्त को लेकर इनको बिना गुरु के ज्ञान हो गया तो मुझे बिना गुरु के ज्ञान क्यों नहीं होगा। हाँ, ठीक है, संन्यास पूर्वक माने क्या हुआ, साधन चतुष्टय संपन्नता तो चाहिए ना, आखिर बाहर का वेद, ऋषि मुनि जो थे सब सन्यासी ही थोड़े थे। प्रत्याशक्ति विशिष्यते, एक वाक्य याद कीजिए पंचदशी का, प्रत्याशक्ति विशिष्यते, प्रत्याशक्ति विशिष्यते, प्रत्याशक्ति विशिष्यते माने सामीप्य की विशेषता है। तो शंकराचार्य जी ने लिखा है, संन्यास जो है तत्वज्ञान के सन्निकट है। अगर कोई, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा मालूम है, भागवत में सप्तम स्कंध पढ़िए। युधिष्ठिर जी ने कहा नारद जी को, गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी कोई व्यक्ति तत्वज्ञान प्राप्त कर सके, इसकी विधा क्या है। नारद जी ने उस गृहस्थ को कहाँ ला जा कर रख दिया, ऐसा संकोच करते 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 नाम मात्र का गृहस्थ रहने दिया। भागवत का सप्तम स्कंध पढ़िए, क्या क्या अर्थ हुआ, नाम मात्र का गृहस्थ, उसका जीवन तो फिर श्रोतव्य सबके लिए है, मंतव्य है ही, निध्यासितव्य है ही, साधन चतुष्टय संपन्नता है ही। तो अगर कोई गृहस्थ तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो सन्यासी लगभग संन्यास जैसा जीवन हो जाएगा या नहीं। लेकिन शंकराचार्य ने लिखा पंचदशी कारण, उसका अनुवाद किया, प्रत्याशक्ति विशिष्यते सामीप्य, क्या अब बाल बच्चों के बीच में रहेंगे, कभी पत्नी रूठेगी फिर मनाते रहो, हाँ कभी बेटा बीमार पड़ेगा, कभी बेटी बीमार, फिर बेटी की शादी करो, बेटे को ये करो, चक्कलस में पड़े ही रहेगा। संन्यास जो है वो क्या है, तत्वज्ञान के समीप है। अगर गृहस्थ भी कोई तत्वज्ञ होना चाहता है तो लगभग उसको सन्यासी ही होना पड़ेगा, सन्यास कल्प तो बनना ही पड़ेगा ना। तो यह जो जीवन है, उदाहरण के लिए अब कोई गृहस्थ आकर के यहाँ पर है, ठीक है, बहुत अच्छा है, अब 12 महीने रह के अंतर पड़ा या नहीं पड़ा। इसलिए सन्यासियों का जीवन जो है तत्व ज्ञान के सन्निकट है, प्रत्याशक्ति विशिष्यते। गृहस्थों को लगभग सन्यासी कल्प ही पड़ेगा। लोग कहते हैं ना, उड़िया लोग
आइन का पेड़ तो भरना पड़ेगा, अंग्रेजी वाले कंडीशन फुलफिल करने की आवश्यकता है। उड़िया लोग क्या कहते हैं, आइन का पेड़ तो भरना ही पड़ेगा। लगभग गृहस्थ लोग जो ज्ञानी होते थे, जीवन देखिए, संग्रह परिग्रह कुछ होता था क्या? तो सन्यासी कल्प तो रहना ही पड़ेगा ना, सन्यासी ना सही सन्यासी कल्प, क्योंकि योगारूढ़ से तस्व सम कारण मुच्यते, सम माने कर्म संन्यास, वह होगा या नहीं। अच्छा विवेक, ये साधन चतुष्टय संपन्नता विवेक वैराग्य सर्क संपत्ति में क्या क्या है? सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। उपरति का अर्थ तुलसीदास जी ने क्या किया, विरति बहुकर्मा, सट दमशील विरति बहुकर्मा, तदर्थे खिल चेष्टितम, या जो शर्त है मानने की आवश्यकता है नहीं, तदर्थे तदबुद्धया तदात्मान तदनिष्ठा तत्परायणा, ये सब बट्टे खाते में मिल जाएगा क्या? गृहस्थ होने पर भी क्या वाचस्पत मिश्र भ्रांतिकार को मालूम था कि वो गृहस्थ हैं, गृहस्थ थे या नहीं? ये उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने भ्रांति टीका लिखी, शंकराचार्य के भाष्य के अभिप्राय को समझने वाले गृहस्थ को पता ही नहीं कि वो गृहस्थ है। रात्रि में उन दिनों बिजली आदि की बात तो नहीं थी, लिख रहे थे, पत्नी भी कैसे दिव्य रही होगी, गाली वाली या कोई तलाक की बात ही नहीं, वो चुपके से भोजन की व्यवस्था कैसे करती होगी, उनको भी देती थी, स्वयं भी पाती थी, भूखे भी रहती होगी, कोई धनी तो नहीं रहते होंगे ऐसे व्यक्ति। एक दिन वो देखा कि पंडित जी लिख रहे हैं, कहीं बत्ती ऐसे तो ऐसे कर रही थी कि बुझ ना जाए, तुम कौन? वो भी कितनी शीलयुक्त रही होगी भ्रांतिकार की पत्नी, उन्होंने कहा कि आपकी दासी, ये भी नहीं कहा कि आपकी पत्नी। अच्छा तो क्या चाहती हो? अब शंकर भाष्य के अभिप्राय को खोलने वाले को इसका अर्थ नहीं लगा क्या चाहती हो। अरे पंडित जी, गृहस्थ हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, वंश तो चले, कहना यह चाहती थी, नाम चले, नाम चले माने वंश चले। अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है? भ्रांति लिख दिया, भ्रांति, ये भी नहीं समझ पाए। शंकर भाष्य की टीका लिखने वाले को ये भी नहीं पता कि नाम चले का अर्थ चाहती है कि वंश परंपरा चले, तुम्हारा नाम क्या है? भ्रांति लिख दिया नाम। वो जब विवाह हो रहा था ना इनका, भ्रांतिकार का, उस समय वाचस्पत मिश्र जी का, तब पंडित कहें, पंडित जी विवाह के आप पढ़ते रहो ना, मैं तो पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्या उन सबों को जिनको ये भी नहीं पता कि मैं विवाहित हूँ, तो सन्यासी हो ही गए या नहीं, सन्यास कल्प हो गया नहीं? उन्होंने तो लिखा। भगवान शंकराचार्य का वास कितना गंभीर होगा कि उस पर टीका लिखने वाले व्यक्ति को यही नहीं पता था कि वो गृहस्थ हैं, और सामने जो आती है पत्नी है, तो कल्प हो गया ना, सन्यासी सन्यास कल्प तो जीवन व्यतीत करना होगा ना, तब तो ये सब होगा। लो इतनी बात बहुत है, जमन जी आ गए, विरक्त ही ना हो जाए कहीं। ठीक, कोटा वाले बैद जी ने ये जानते हैं, अपने बेटे से कहा, रामचंद्र आचार्य नाम था, अरे भाई मैं तो चक्कर में फंस गया, विवाहित हो गया, तू कम से कम विवाह ना, पिताजी जब आप चखे बिना नहीं रहे तो हमको क्यों मना करते हैं, तो जा। हमसे कहा कि बेटे ने ये जवाब दिया, हमने कहा ठीक कहा, आप चखे बिना नहीं रहे तो हमको क्यों मना करते हैं, तो जा। एवं आत्मैवा एवं आत्मैकत्व ज्ञाने भी क्वचित जन्मांतर कृतम कर्म निमित्तम भवति। इस प्रकार आत्म तत्व के एकत्व का, यानी ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान किसी को बिना गुरु के जीवन में हो जाए, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमको गुरु नहीं चाहिए क्या? जन्मांतर कृतम कर्म निमित्तम भवति, पूर्व जन्म में कभी न कभी उन्होंने
गुरुमुख से वेदांत का श्रवण किया होगा, उस समय प्रतिबंध के कारण, प्रारब्ध मूलक प्रतिबंध के कारण वह ज्ञान फलीभूत नहीं हो सका, इस जीवन में बिना ही गुरु के ज्ञान हो गया। इसका अर्थ नहीं कि हमको गुरु चाहिए तो हम क्यों करें, उनको बिना गुरु के ही ज्ञान हो गया तो हमको भी बिना गुरु के ज्ञान क्यों नहीं हो सकता। एवमेव आत्मिकत्व ज्ञानेपि क्वचित् जन्मांतर के तम कर्म निमित्तं भवति, यथा प्रजापते उदाहरण दे दिया, जैसे कि प्रजापति को यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं श्रुति, यह प्रजापति को इस जन्म में किसने उपदेश किया, किसी ने नहीं, पूर्व जन्म में किसी न किसी गुरु ने उपदेश किया होगा, उस समय वो कारगर नहीं हुआ, लेकिन भक्ति बीज विनिश्चय नहीं, ऐसे ज्ञान का बीज भी विनष्ट नहीं होता। लवते पौर्व दैहिकम यह हो गया, एवमेव आत्मिकत्व ज्ञाने भी क्वचिन जन्मांतर कृतम कर्म निमित्तम भवति, अमुक व्यक्ति को अर्थात प्रजापति को बिना गुरु के ही ज्ञान हो गया, तो यह नहीं समझना चाहिए कि हमको भी बिना गुरु के ही ज्ञान हो जाएगा। हाँ, उसी स्तर का हमारा जीवन है तो इस जीवन में बिना गुरु के भी ज्ञान हो जाएगा। ये बच्चे थे तो हमने कहा लव कौम दी हमसे पढ़ लो, इन्होंने कहा स्वयं पढ़ लूँगा ना याद है तो हम मुस्कुराए, हमने कहा ठीक है, या गुरु की क्या जरूरत है फिर एवमेव आत्मिकत्व ज्ञानेपि क्वचित् जन्मांतर कृतम कर्म निमित्तम भवति, यथा प्रजापते क्वचित् तपो निमित्तम, कहीं कहीं तप तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इति श्रुतेः, कहीं कहीं तप भी निमित्त है, जन्मांतर कर्म कृतकर्म कभी कभी तप भी, कहीं कहीं क्वचित् निमित्त में भेद बताते हैं आचार्यवान पुरुषो वेदा, कहीं गुरु की भी आवश्यकता होती है, कहीं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तद विधि प्रणपाते न आचार्याध्यय व द्रष्टव्य श्रोतव्य, यह सब गुरु की आवश्यकता होती है, प्रणिपात आदि के द्वारा आचार्य के द्वारा प्राप्त विद्या ही बलिष्ठ होती है, अन्यथा नहीं। द्रष्टव्य श्रोतव्य श्रोतव्य द्रष्टव्य आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य अश्रोतव्य कहकर गुरुत्व की आवश्यकता बता दी गई। इति श्रुति स्मृतिभ्या एकांत ज्ञान लाभ निमित्तत्व श्रद्धा प्रभृति नाम, यह कहा पूर्वोत्तर का, इसका अर्थ है कि कोई तपस्या के बल पर कौन प्रजापति को ज्ञान हो गया बिना गुरु के ही, किन्हीं को आचार्य की आवश्यकता होती है, अभिप्राय है अलग अलग। जिन्होंने पूर्व जन्म में ही श्रवण कर लिया, किसी कारण वो ज्ञान प्रतिबद्ध हुआ, फलीभूत नहीं हुआ श्रवण, उनको इस जीवन में बिना क्या उपदेश के भी ज्ञान हो जाएगा, हो जाता है। अधर्मादि निमित्त वियोग हेतुत्वात्, अधर्मादि निमित्त वियोग क्योंकि प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाने पर कार्य की सिद्धि हो जाती है, ज्ञान के जितने प्रतिबंधक हैं उनकी निवृत्ति, अधर्मादि, अधर्म है, अनैश्वर्य है, अवैराग्य है, अविवेक है, यह कहा अधर्मादि निमित्त वियोग हेतुत्वात्, ज्ञान के प्रतिबंधक जो अधर्म अनैश्वर्य अवैराग्य अविवेक इन सबका अपनोदन बन जाए, ऐसा बानक बन जाए तो ज्ञान हो जाएगा, प्रतिबंधक की निवृत्ति हो गई तो ठीक। प्रतिबंधक अगर है विद्यमान उसके अपनोदन की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके अपनोदन का प्रयास करना चाहिए। वेदांत श्रवण मनन ध्यासनानांस साक्षात ज्ञेय विषयत्वात्, अब साक्षात की टिप्पणी होने की, ज्ञान साधनत्वात् अंतरंग साधनत्वात् न तो श्रद्धाधिवत परम्परया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यह सब परम्परा से साधन, अंतरंग साधन क्या है, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, या का
वेदांत श्रवण मन निधिध्यासन नाम च वेदांत का श्रवण मन निधिध्यासन। वेदांत का अर्थ क्या होता है उत्तराखंड देखो कुछ बोलेंगे तत्व का ज्ञान होना। हाँ ये कुछ न कुछ तो परिभाषा बना ही दिया ठीक। उपनिषद बैठो वेदों का अंत माने सिद्धांत, सांख्य कृतांते अंत माने वेदों का तात्पर्य जिसमें सन्निहित हो वेदों का शिरोभार उसका नाम है वेदांत। वेद का मुख्य अर्थ होता है उपनिषद। वेदों का शिरोभाग 40 अध्याय हैं यजुर्वेद में, 39 अध्याय जो आरंभ के हैं उनका नाम उपनिषद नहीं है। 40वां अध्याय ईशावास्मिदग्वम सर्वम इन मंत्रों का नाम उपनिषद है। 39 अध्याय में क्या त्रुटि थी कि उनका नाम उपनिषद नहीं, ईशावास्यम इत्यादि को उपनिषद क्यों माना शंकराचार्य ने परंपरा के आचार्यों ने, इसका उत्तर दिया। ईशावास्योपनिषद शंकर भाष्य का प्रारंभ। ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र हैं कर्मों में अविनियुक्त हैं, तब पूर्व पक्ष शंकराचार्य ने प्रस्थापित किया कहीं कहीं वेदों में विनियोजक वचन न होने पर भी प्रकरण के बल पर वियोग विनियोग की कल्पना कर ली जाती है। विनियोग का अर्थ क्या है, किसका विनियोग कहाँ, किसका विनियोग कहाँ, विनियोग का बहुत बढ़िया। चंबल का विनियोग कहाँ हो गया, यमुना में, यमुना का वियोग गंगा जी में, गंगा जी का विनियोग सागर में, ऐसे विनियोग। डूबे घर की बेटी चौबे घर में चली गई तो अब चौबे हो गई, विनियोग। यह विनियोग का महत्व होता है। ईशावास्यम ये सब मंत्र उपनिषद क्यों हैं, 39 अध्याय के जो मंत्र है वो उपनिषद नहीं, तो ईशावास्यम में क्या चमत्कृति है। शंकराचार्य ने लिखा कर्मों में ये मंत्र विनियुक्त नहीं है, कोई कोई मंत्र अपने अर्थ के बल पर उपनिषद होने योग्य होते हैं लेकिन उनकी उपनिषद संज्ञा नहीं होती। जैसे नासदी सूक्तम के जो 7 मंत्र हैं घटिया नहीं, बहुत अच्छा। अपने यहाँ से टीका प्रकाशित है नासदी सूक्तम, शंकराचार्य हुआ तो शायद सबसे पहले नासदी सूक्तम पर ही लिखा था। नासदी सूक्तम तो कहा कि नासदी सूक्तम ऋग्वेद के 10 मंडल में हैं, 7 ही मंत्र हैं लेकिन उनका कर्मों में विनियोग है इसलिए उनका नाम उपनिषद नहीं हुआ। ईशावास्यम इत्यादि का कर्मों में विनियोग नहीं, तो विनियोजक वचन की कल्पना कर लीजिए। तो शंकराचार्य ने लिखा जिस स्तर के आत्म तत्व का निरूपण ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के माध्यम से प्राप्त है उस स्तर का आत्म तत्व कर्मों में अविनियुक्त ही हो सकता है, अर्थात अकर्तृत्व भोक्तृत्व का ज्ञान हो जाने पर इन मंत्रों के माध्यम से आत्मा के अकर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का ज्ञान हो जाने पर कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति संभव नहीं है। तो अर्थ के बल पर भी विनियोग नहीं कर सकते इसलिए इनका नाम हो गया उपनिषद अविनियुक्त या का। तो वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत। एक थे विद्यानंद विदेह, कायस्थ थे पुलिस विभाग या मैट्रिक से रिटायर, आज समाज के बहुत अच्छे प्रवक्ता थे। एक महीना वो करोल बाग दिल्ली में प्रवचन करते थे। मैं विद्यार्थी जीवन में अपना घूमता घामता किसी एक का श्रोता नहीं, कुछ देर वहाँ सुन लेता था। एक दिन वो बोल रहे थे वेदों का अंत कर दिया इन वेदांतियों ने, नाश कर दिया। आज समाजी बोल वेदांत माने वेदों का अंत, नाश ही कर दिया इन लोगों ने। अंत माने सिद्धांत शिरोभाग, वेदों का शिरोभाग। सांख्य कृतांते प्रोक्तानि
गीता में भी कृतांत, कृतांत माने सिद्धांत, वेदांत माने वेदों का शिरोभाग, अंत माने नाश नहीं, यहाँ पर है देहांत वाला अंत नहीं। प्राणांत और देहांत में क्या अंतर होगा भारद्वाज जी? प्राणांत और देहांत में क्या अंतर होगा? अब ये बात बोले, हाँ ये तो तैयारे रहते जब देह का अंत हो जाता है देहांत बोल देंगे, और प्राण का जब अंत हो जाता तब बढ़िया का। हाँ ठीक का, ठीक का। हाँ नहीं, ध्यान कहीं और था। देहांत माने देह का अंत, प्राणांत माने प्राण जब ब्रह्म में एकत्र। हाँ वो तो कुछ ना कुछ कह नहीं है बट तब प्राणांत हो गया। ठीक, शरीर प्राण विहीन हो गया, प्राणांत का अर्थ प्राणों का अंत नहीं हुआ, शरीर प्राण विहीन हो गया, लक्षणा से अर्थ करेंगे। और देहांत माने देह में जो जीवनी शक्ति थी उस जीवनी शक्ति को प्रदान करने वाले से देह अलग हो जाए तो देहांत, यूँ अर्थ करना पड़ता। ठीक है, अब वेदांत माने वेदों का शिरोभाग। हाँ वेदों का तात्पर्य संधि। हाँ ये ठीक, बढ़िया था, ठीक बढ़िया। 12 बज गया, हो गया ना। पापादि प्रतिबंधक क्षय च आत्मा आत्मनसोर भूतार्थ ज्ञान निमित्त स्वाभाव्यात् का। पापादि जो भी प्रतिबंधक हैं तत्व ज्ञान के मार्ग में रुकावट डालने वाले, उन सब का पाप भी है, अनैश्वर्य भी है, अवैराग्य भी है, अविवेक भी है, ये सब उनका प्रतिबंध का क्षय हो जाने पर या प्रतिबंधों का क्षय हो जाने पर भी आत्म मनसो और भूतार्थक ज्ञान निमित्त स्वाभाव्यात्। आत्म मनसो भूतार्थक ज्ञान निमित्त स्वाभाव्यात्। अब केवल आत्मा से भी ज्ञान नहीं, केवल मन से भी ज्ञान नहीं, आत्मचैतन्य से अधिष्ठित मन होगा, उस मन में उतना बल और वेग होगा कि आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का विज्ञान प्रकट हो जाएगा। प्रतिबंध का अपनोदन आवश्यक है, फल की सिद्धि स्वाभाविक रूप से हो जाती। क्या कहीं राजस्थान में 70 फीट नीचे पानी, कहीं पर 4 फीट पर ही पानी मिल जाए तो क्या हुआ फिर? प्रतिबंध जल की, जल के स्रोत की अभिव्यक्ति में जो प्रतिबंध है उसका निवारण कर दिया जाए, कहीं 4 फीट पर ही पानी निकल जाए, कहीं 54 फीट पर निकले, ऐसा है ना प्रतिबंध। ऐसे प्रतिबंध का अपनोदन हो जाने पर ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो पूर्व जन्म में जो साधन किया था उसके प्रभाव से इस जीवन में प्रतिबंध का, प्रतिबंध क्या है? पाप रूप प्रतिबंध एक होता है, दूसरा अविद्या काम कर्म, तीन तो प्रतिबंध होंगे। सकाम कामना है, काम्य कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति है, प्रतिबंध हट गया, प्रतिबंध हट गया तो पाप भी प्रतिबंध है, अवैराग्य भी प्रतिबंध है, अविवेक भी प्रतिबंध है, अनैश्वर्य भी प्रतिबंध है। प्रतिबंध का अपनोदन हो जाने पर कार्य की स्वतः सिद्धि हो जाती है। इस जीवन में जिनके प्रतिबंध का निवारण हो गया, बिना गुरु के भी ज्ञान हो गया, इसका अर्थ यह नहीं कि हमको भी बिना गुरु के ज्ञान हो जाएगा। क्या हाँ क्या कह रहे? क्या ऐश्वर्यहीनता माने धन वैभव खूब हो। ये एक दिन बताया था ना, क्या जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधिपति होता है या उसके अधीन होता है? तो ऐश्वर्य हो गया या नहीं? बाहर से ऐश्वर्य प्रकट करे या न करे, जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधिपति होता है या वह उसके अधीन होता है? आज ब्रह्मा जी के पद पर कौन है? ब्रह्मा से नीचे के पद जिनको आकृष्ट नहीं कर सके, यही ना।
स्वरूप स्वभाव प्रभाव समझने पर भी जिसके जीवन में आकर्षण प्राप्त ना हो तो वो विरक्त हुआ, विरक्त हुआ तो जिससे हम विरक्त हो गए उसके अधीन हुए या अधिपति हो गए, तो वही विरक्त व्यक्ति घाटे में रह गया, अनुरक्त व्यक्ति घाटे में रहा वो उसका गुलाम हो गया, विरक्त व्यक्ति उसका अधिपति हो गया। अनुरक्त अधीन हो जाता है, विरक्त अधिपति हो जाता है। कहो भारद्वाज जी क्या अनुरक्त अविरक्त, तो विरक्त बढ़िया या अनुरक्त बढ़िया? विरक्त ठीक। अनुरक्त जो होता है अधीन हो जाता है, और विरक्त अधिपति हो जाता है। अधिपति होना अच्छा है या अधीन होना अच्छा है प्रफुल्ल जी? अधिपति बढ़िया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापि ते च मधुरं मधुरास्मितिश्च। बुद्धिं प्रबोधय मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि।